झांसी की रानी भाग छे। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेल हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। प्रसंग इस तरह से है, इस कविता में सन 1857 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और उनके बलिदान का सुंदर वर्णन किया है। सरलार्थ इस तरह से है, झांसी का दीपक बुझ जाने पर अर्थात राजा के मर जाने पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि उसे झांसी का राज्य हड़पने का एक अच्छा अवसर मिल गया था। उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर वहां अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। इस प्रकार झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश राज्य बन गया। रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि झांसी अब पराई हो गई है। कवित्री आगे कहती है कि उसकी बहादुरी की कहानी हमने बुंदेलखंड के गवैयों के मुंह से सुनी थी, वह बड़ी ही वीरता से मर्दों के समान लड़ी थी। तो इस भाग में हमने अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी ने किस तरह से झांसी को अपने कब्जे में लिया, इसके बारे में हमने जाना। इस कविता के अगले भाग में हम झांसी राज्य पर क्या क्या अत्याचार किए अंग्रेजों ने, उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।